तो जैसा दोस्तों आप सभी लोगों ने अभी हम मेरा जो इंट्रोडक्शन देखा उससे आपको समझ में आ चुका होगा कि अभी हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे आपने गूगल सीट में। तो गूगल सीट जैसे आपको अगर खोलना हो तो आप गूगल सीट कैसे खोल सकते हैं पहले उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको अपने गूगल आपके क्रोम ड्राइव में आपको आ जाना है और यहाँ से एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपने जीमेल आईडी से आपको लॉगिन करके भी रखना है। जब आप अपने जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेंगे तो आप यहाँ पे आपको इस तरह से जो ये आइकन आप देख रहे हैं यहाँ पे ये गूगल ऐप्स का आइकन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप नीचे चले आएंगे तो आपको ये गूगल सीट का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी गूगल सीट ओपन हो जाएगी। देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये गूगल सीट यहाँ पे ओपन हो चुकी है और यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहले से डिफाइंड यहाँ पे ब्लैंक ऑप्शन है और पहले से प्री डिफाइंड फॉर्मेट भी है, तो आप इस फॉर्मेट को भी ले सकते हैं या फिर आप जो होता है कोई ब्लैंक फाइल भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम जो होता है ब्लैंक फाइल को लेंगे और उसमें आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से अपने एक्सेल फाइल में किसी भी टेक्स्ट को जो कि इंग्लिश में हो उसे आप हिंदी में कैसे कर सकते हैं, और भी कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा। तो हम यहाँ पे एक ब्लैंक फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, वैसे हमने यहाँ पे क्रिएट की हुई तो हम इसको दोबारा क्रिएट नहीं करेंगे। जब आप इसको ओपन करेंगे तो सेम इंटरफेस जैसे यहाँ पे है इसी तरह से आपको मिलेगा। अब ये तो हो गया दोस्तों पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि दूसरा तरीका आपको वापस से जाना है अपने क्रोम में ब्राउज़र में और वहाँ पर आपको अपने एड्रेस बार में टाइप कर लेना है गूगल सीट्स। देखिए जैसे मैंने टाइप की गूगल सीट्स तो यहाँ पे आपको शो कर रही है, आपको सिंपली एंटर कर लेना है। तो ये जो सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन मिल रहा है आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अभी देखिए ये गूगल सीट्स का ये पूरा होम पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है और यहाँ से देखिए नीचे ऑप्शन मिलता है आपको गो टू गूगल सीट, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो बिल्कुल सेम देखिए इंटरफेस आपको यहीं मिल जाएगा और आपको यहाँ से अपनी ब्लैंक फाइल को आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो हम इस तरीके से गूगल सीट में एंटर कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गया, अब इसको हम यहाँ से क्लोज़ करते हैं क्योंकि मैंने पहले से खोल के रखी हुई है। तो आप जब ओपन करेंगे तो बिल्कुल सेम फॉर्मेट यहीं आपको इंटरफेस मिलने वाली है। तो अभी जब मैं आप इंटर इसको देखेंगे तो ये बिल्कुल एक्सेल की तरह ही आपको यहाँ पे देखिए कॉलम है, यहाँ पे रो डिवाइड है, रो पूरा इस तरह से बनी हुई है और यहाँ पे देखिए फाइल एडिट व्यू इंसर्ट फॉर्मेट ये सारे ऑप्शंस आपको एक्सेल फाइल में भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको ये सारी चीज़ें आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नहीं मिलेंगी। तो मेरा जो मेन यहाँ पे जो टारगेट होगा दोस्तों कि हमें सिर्फ वही चीज़ों के बारे में जाननी है जो कि हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नहीं मिलती है। तो फिलहाल हम स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा आइडिया आपको दे देते हैं, उसके बाद हम फिर आप मेन टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे जो कुछ खास फीचर हैं, आप इस गूगल सीट को आप एक साथ कई लोग इस पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जस्ट ऊपर में आपको शेयर का ऑप्शन मिलता है और इसके माध्यम से आप जिसको भी चाहें आप शेयर करके आप एक साथ जितने लोगों को शेयर करेंगे वो इस फाइल पर आप भी काम कर सकते हैं और जिसको शेयर करेंगे वो भी एक साथ बैठ के आपका काम कर सकता है। ये चीज़ आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नहीं मिलेगी। और एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं, अगर आप कंट्रोल के साथ राइट एरो अगर आप प्रेस करते हैं तो आप देखिए इस एक्सेल के लास्ट वाले आप कॉलम में चले जाएंगे। अगर आप एक्सेल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये देखिए यहाँ पे जो जेड वाला जो कॉलम है बस यहीं पे ये यहाँ पे समाप्त हो जाती है, ये कॉलम यहाँ समाप्त हो जाती है, इसके आगे कॉलम नहीं है। इसी तरीके से अगर आप इसके नीचे जाके चेक करें तो यहाँ पे ये देखिए 1000 रो के बाद अब यहाँ पे कोई रो नहीं है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इससे आगे डेटा एंट्री नहीं कर सकते हैं। जैसे ये होता है इसमें कि आप अगर इसके आगे भी कॉलम या रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ से एक एक करके ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इंसर्ट वन सेट वन लेफ्ट, इंसर्ट वन राइट, डिलीट कॉलम या जो भी आपको करना हो। जैसे वन मुझे अभी यहाँ पे राइट पे एक इंसर्ट करना है तो मैंने क्लिक कर दी और यहाँ पे देखिए जेड के बाद ए आ चुका है। सेम इसी तरीके से अगर आप इस तरीके से जितना चाहें आप अपने कॉलम को इंक्रीज कर सकते हैं और अगर आप इसी तरीके से यहाँ पे अपना रो भी यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने रो को भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं।
जैसे कि अभी यहाँ देखिए 1000 है और यहाँ पे लिख रहा है ऐड, तो आप यहाँ से सिंपली ऐड करते जाइए। अभी ये देखिए 1000 यहाँ पे लिखा हुआ है, 1000 आप एक साथ जो होता है 1000 इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ पे आप जो होता है 10 20 25 50 जो भी टाइप करेंगे उस हिसाब से। अभी देखिए मैंने 10 यहाँ ऐड कर दिया, यहाँ ऐड कर दिया तो 2010 यहाँ पे रो ऐड हो गए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे पहले से कुछ भी नहीं, मतलब 1000 से ज़्यादा नहीं होता है, तो आप अपने डेटा के अनुसार इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं, रो कॉलम इंक्रीज कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें एक और चीज़ है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे सीट जो यहाँ पे जैसे सीट 1 है, अगर हम सीट 2 करना चाहें तो हम यहाँ से इंसर्ट करके यहाँ पे आप देखेंगे तो सीट इंसर्ट करने के लिए कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। जैसे कि हम लोग वहाँ पे देखते हैं तो वहाँ पे हम सीट इंसर्ट कर लेते हैं, बट आपको यहाँ पे जो प्लस आइकन है ये ऐड सीट का आइकन है, आप यहाँ से क्लिक करके सीट को यहाँ पे देखिए ऐड कर सकते हैं और इस तरीके से आप जितना चाहें सीट इसमें डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था थोड़ी सी सिंपल बातें जिसको मुझे थोड़ा सा ज़रूरी लग रहा था जिसे आपको मैं बता दूं। अब बात करते हैं दोस्तों, किसी भी डेटा को आप एक्सेल में इस गूगल सीट में आप कैसे हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि ये फीचर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नहीं मिलने वाली है। तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं कुछ नेम, जैसे अभी हमने यहाँ पे टाइप कर लिया नेम, और यहाँ पे हम यहाँ टाइप करते हैं संजू, कुछ नाम यहाँ पे टाइप करते हैं संजू सिंह, ये देखिए यहाँ पे मोहित सिंह, पूनम कुमारी, सोहन तिवारी, ये देखिए मैंने कुछ नाम यहाँ पे टाइप कर लिए हैं। तो अब हमें इस नाम को हिंदी में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए यहाँ पे गूगल जो था अपना, आप वैसे गूगल ट्रांसलेटर का आपने नाम सुना होगा, तो वही फार्मूला हम जो था जो कि गूगल का ही है, ये आपको पता है क्योंकि इसमें गूगल लगा ही भी है इस नाम में, तो आपको ये समझ में आ गया कि ये गूगल का ही प्रोडक्ट है। तो गूगल ने इसका बेसिकली यूज़ यहाँ पे भी किया हुआ है। आप इसकी मदद से किसी भी नाम को हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कहना थोड़ा सही नहीं होगा क्योंकि ये ट्रांसलेटर पूरी तरह से कुछ कुछ वर्ड्स पे ये काम नहीं करते हैं, पर आप मोस्टली चीज़ें आप इसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, मैं ऐसे भी कुछ शब्द लिखूँगा जिसे ये गूगल ट्रांसलेटर हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर सकता, पर आपको मोस्टली आपका काम इससे चल जाएगा। यहाँ पे देखते हैं गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ कैसे करेंगे। गूगल यहाँ पे देखिए, गूगल जैसे मैंने टाइप की, यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। तो सेम एकदम फार्मूला लगाने का भी तरीका आपका बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप एक्सेल में लगाते हैं। सिंटैक्स आपको यहाँ पे शो कर रहा है, ये टेक्स्ट कॉमा सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज। एक चीज़ आपको यहाँ पे देखिए, हिंट भी यहाँ पे दिया हुआ, द टेक्स्ट टू ट्रांसलेट द 2 लेटर्स लैंग्वेज कोड ऑफ द सोर्स लैंग्वेज होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए जो सोर्स जो ये लैंग्वेज है और यहाँ पे जो टारगेट लैंग्वेज है वहाँ पे आप केवल किसी जिस वर्ड में आपको ट्रांसलेट करना है उसके केवल स्टार्टिंग के 2 नंबर्स आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, केवल 2 नंबर्स, 2 यहाँ पे लैंग्वेज, 2 ही वर्ड्स आपको यहाँ पे टाइप करने हैं, बस आपका वो डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या देना है, टेक्स्ट, तो आपको वो सेल सेलेक्ट करनी है जिसको आपको चेंज करना है यहाँ पे। उसके बाद जैसे ही कॉमा लगाएंगे, सोर्स लैंग्वेज के लिए आ रहा है, तो अभी आप ये चूंकि आपको पता है कि इंग्लिश में है तो ये सोर्स आपका इंग्लिश में है, तो यहाँ इंग्लिश के लिए हम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर EN टाइप करेंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, उसके बाद हम फिर कॉमा लगाएंगे। अब हमें इसको जो है हिंदी में बदलना है, तो हिंदी के लिए हम स्टार्टिंग के 2 ही वर्ड्स यहाँ पर टाइप करेंगे और HI, जैसे हिंदी का HINDI होता है, तो हम HI बस लिख करके ब्रैकेट डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर दबाएंगे। तो देखें अभी लोडिंग हो रही है, तो ये अभी लोडिंग हो जाने दीजिए, उसके बाद देखिए अभी नाम आ चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ से ड्रैग कर देनी है। तो अभी आप देखिए लोडिंग हो रही है, ये सारे जो होता है जितने भी डेटा है वो सारे इंग्लिश से कन्वर्ट होकर के हिंदी में आ गए हैं। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया कि ये गूगल ट्रांसलेटर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको ये अभी डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, जैसे अभी मैं लिख देता हूँ जैन, और मैं इसको शायद अगर मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ तो
आई थिंक मेरे ख्याल से ये चेंज नहीं होगा। देखिए अभी देखिए यहाँ पे हो रहा है। खैर ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसका मैंने अभी कुछ दिन पहले ट्राई की थी पर यहाँ पे एरर आ रहा था। मतलब उसको जो होता है वो सेम टू सेम एरर, क्या मतलब ये जो वर्ड यहाँ पे लिखता था सेम वही वर्ड यहाँ पे आ जाता, मतलब हिंदी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे थे। तो खैर यहाँ पे हो रहा है तो अच्छी बात है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे किसी भी हिंदी को इंग्लिश को आप हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसके साथ भी मैं कुछ चीज़ें आपको और भी बता दूंगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आप बताऊंगा कि अगर आप एक्सेल में वहाँ पे फ्रीज ऑप्शन आप लोगों को पता होगा, आप ये काम यहाँ पे भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। यहाँ जब आप देखेंगे इस तरह के जो आइकन आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आप जो यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा डार्क आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इस तरीके से यहाँ पे देखिए डार्क लाइन बनी हुई है, तो आप इसका यूज़ भी फ्रीज के लिए कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखिए, यहाँ पे जब हाथ का निशान आपका बन जाएगा तब आपको सिंपली जिस सेल में आपको लॉक करना है उस सेल को आपको बस सिंपली इसको ड्रैग करके उस सेल तक आपको खींच लें। जैसे अभी नाम आपका ये हेडिंग है तो उस वहाँ तक आपको लॉक इसको जो था फ्रीज करना है, तो सिंपली आपको यहाँ पे ड्रैग कर लेना है और ये देखिए आपका ये रो जो होता है यहाँ से लॉक हो चुकी है। और आप इसे अभी यहाँ पे यूज़ करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका नेम पूरा यहाँ पे फ्रीज है और आपका देखिए पूरा डेटा हिलेगा बट आपकी हेडिंग यहाँ से मूव नहीं होगी। इसी तरीके से आप रो के साथ साथ इसको कॉलम को भी आप लॉक कर सकते हैं। जब ये हाथ का निशान बन जाएगा तो आप इसे जहाँ भी चाहें वहाँ पे भी ऐसे ड्रैग करके ले आ सकते हैं। तो देखिए अभी रो के साथ आपका कॉलम भी लॉक हो चुका है। अब भाई आप यहाँ से कर्सर के द्वारा यहाँ पे अप एंड डाउन कीजिए, देखिए कोई देखिए यहाँ पे कर्सर देखिए मूव कर रहा हूँ पर ये आपकी जो सी वाली कॉलम है वो एकदम फिक्स है, ये मूव नहीं हो रही है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फ्रीज ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ किसी भी मेनू में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली यहीं से आप यहाँ पे लॉक कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। अब अगर आप इसे हटाना भी चाहते हैं तो ये देखिए जब आप यहाँ पे हाथ का निशान आ जाए तो आप बस इसको जो है सिंपली वहाँ पे ले जा करके इसको ड्रैग कर दीजिए। और इसी तरीके से आप इसको भी जब हाथ का निशान बन जाएगा यहाँ पे आप इसको भी उठा करके ऊपर कर दीजिए तो आपका ये अनफ्रीज हो जाएगा। तो ये था दोस्तों कुछ गूगल सीट की स्पेशल, और भी हम बहुत सारी स्पेशल चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो ये तो था दोस्तों वीडियो पहला। तो इसी तरह के और भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं यूनिक वीडियो लेकर के आता रहूँगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।